लालबेग में एक्सक्रीशन। लालबेग में जिन फासिद मादों ने जिस्म से खारिज होना होता है उनमें नाइट्रोजनी मादे, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया ज्यादा अहम है। इन गैर जरूरी फालतू मादों के इखराज के लिए लालबेग के जिस्म में मखसूस सिस्टम होता है जो कि हाइड्रोजन ट्यूब्स और ट्रेकियल ट्यूब्स के होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेकियल ट्यूब्स के जरिए खारिज किया जाता है। मालपेजियन ट्यूब जर्द रंग की धागे नुमा साखते हैं जिनका एक सिरा डाइजेस्टिव नाली के साथ मुंसलिक होता है जबकि दूसरा सिरा हेमोलिफ में आजादाना तैरता है। हेमोलिफ से यूरिया और फालतू नाइट्रोजनी मादे मालपेजियन ट्यूब में आते हैं और इनमें से जो और ये एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर खुराक की नाली में जाते हैं। यहाँ से मजीद चीज़ें जज्ब कर ली जाती हैं और इस अमल में यूरिक एसिड ठोस फुजले की शक्ल में नीचे बैठ जाता है जिसे ठोस फुजले के साथ जिस्म से खारिज कर